2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान जबरदस्त है। इसका आगाज हुआ है यूपी के अवैध खनन घोटाले को लेकर। इस घोटाले में सीबीआई के रडार पर है। अब पूछताछ की संभावनाओं के बीच समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने केंद्र पर हमला बोला है। जी, जिस तरह सीबीआई की गिरावट हुई है जी, कोई मामूली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी गुस्से में है, क्यों उनके नेता अखिलेश पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, क्यों चुनाव से पहले सीबीआई जांच की याद आ रही है। पार्टी अब संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठा रही है कि चुनावों से ठीक पहले तोते को सरकार ने टारगेट दे दिया। लोकसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव ने गुस्से का इजहार किया तो दूसरी ओर बबुआ को उनकी बुआ का साथ मिला। नए साल में यह पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ सामने आई और केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप मढ़ दिया। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं ये पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। उनको जमानत बचाने की अब गुंजाइश नहीं लग रही है उत्तर प्रदेश में, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप सीबीआई से गठबंधन कर लो। अरे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करो, आप तो सीबीआई से गठबंधन करके और उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दुरुपयोग करना चाहते हो। तो ऐसे ही सीबीआई को इतना बदनाम कर दिया गया इस देश में और इन्हीं लोगों ने कराया है, तो अब कम से कम उनकी कुछ तो साख बनी रहने दो। खनन घोटाला 2012 से लेकर 2016 के बीच का बताया जा रहा है, तब अखिलेश मुख्यमंत्री थे। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि जब अफसर पर आरोप लगे हैं तो मंत्री पर कैसे मामला बनता है। ये तो आपको सोचना चाहिए कि जब आप अधिकारी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, एक डीएम के ऊपर एक जिले के इल्जाम लगा रहे हो और कह रहे हो कि वो जो बनाए हुए कानून है प्रदेश के उसका उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो उससे आप मंत्री को कहां से घसीट लो। सीबीआई के कसते शिकंजे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साजिश नजर आ रही है। पार्टियां कह रही हैं कि चुनावों से पहले गठबंधन अभी हुआ भी नहीं और सरकार ने विपक्ष को निपटाने की तैयारी कर ली है। सीबीआई लगातार इसका दुरुपयोग होता चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की वो आप सब जानते हैं, और अब फिर उन्होंने जब कुछ नहीं था हताशा में इस तरह की बात करने जा रहे हैं कि जबरन दबाव डालकर पूछताछ करके चुनाव के प्रचार वगैरह में बाधा पड़े। खनन मामले पर सीबीआई जांच को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ। दूसरी ओर मायावती भी अखिलेश के लिए बगैर लेट लतीफी के सामने आई। उन्होंने तुरंत अखिलेश को कॉल कर कहा कि जिस तरीके से खनन मामले में हुई छापेमारी के बाद अखिलेश से पूछताछ की बात की जा रही है, ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है जो वो अपने विरोधियों के खिलाफ आजमाती रहती है। मोदी से निपटने के लिए यूपी में सियासी संजीवनी खोज रही बीएसपी सुप्रीमो ने बिना मौका गंवाए मायावती ने अखिलेश से ये भी कहा कि आप परेशान न हो, आरोपों का गंभीरता से सामना करें ताकि साजिश नाकाम हो जाए। तोता के इस्तेमाल के आरोप में केंद्र सरकार पर हमले तेज हुए तो सत्ता पक्ष ने हर मोर्चे से हमला तेज कर दिया। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कह डाला कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मंत्री ने आरोप लगाया कि बीएसपी और एसपी अपने कारनामों की वजह से डरी हुई हैं। कुछ अखबारों की सुर्खियों में ये निकला कि अखिलेश जी के ऊपर भी गाज गिर सकती है, संसद के अंदर भी शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जब कुछ है नहीं तो घबराहट किस बात की, इसीलिए मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तक अवैध खनन घोटाले में सीबीआई के कागजों में अखिलेश का नाम शामिल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 2012 से 13 तक वो यूपी के सीएम थे और उन्हीं के पास खनन मंत्रालय भी था, लिहाजा उनसे पूछताछ हो सकती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये मामला अवैध खनन की जांच से ज्यादा लोकसभा चुनावों में अपनी गोटी सेट करने की है। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ दिल्ली से कंवलजीत संधू और जितेंद्र बहादुर सिंह आज तक। सियासी महाभारत का काउंटडाउन शुरू होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले साल के शुरू होते ही अखिलेश पर सीबीआई के रडार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लामबंद होने लगा। सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है।
दो दिन पहले की बात है। खनन घोटाले में सीबीआई की जांच तेज हुई और एक साथ यूपी के 12 शहरों में जांच एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। 100 करोड़ से अधिक के इस घोटाले का केंद्र है हमीरपुर, जिसे खनन के नजरिए से स्वर्ग माना जाता है। आईएएस चंद्र कला के कई ठिकानों पर भी छापे पड़े। तभी ये खबर आने लगी कि सीबीआई का शिकंजा अब अखिलेश पर कसने वाला है, लेकिन अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कि ये मामला चुनावी है। समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जीते। हो सकता है सीबीआई इस कोशिश में हो या सरकार जो चलाती है सीबीआई वो कोशिश में हो। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। तमाम आरोपों के बीच अखिलेश यादव सीबीआई पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया, एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। अवैध खनन के केस में अखिलेश पर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि ये घोटाला 2012 से 2016 के बीच का है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और साल भर यानी 2000 तक साल भर के लिए खनन विभाग उनके पास ही था। उसके बाद खनन विभाग की जिम्मेदारी गायत्री प्रजापति को सौंप दी गई। आरोपों के मुताबिक प्रजापति की सरपरस्ती में खनन महकमे में लूट मच गई, अवैध कमाई की होड़ लग गई, नेता से लेकर अफसर तक अपना अपना हिस्सा लगाने लगे। उसी मामले में अखिलेश पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई के कसते शिकंजे के बीच सियासत दो फाड़ हो गई है। बीएसपी के अलावा अखिलेश को कांग्रेस का सहारा भी मिला है। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, गठबंधन के लिए कांग्रेस की एक समिति है, वो निर्णय करेगी, परंतु अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, बसपा के नेताओं पर झूठे मुकदमे, मनगढ़ंत मुकदमे, बदले की आग से जलकर जो मुकदमे मोदी जी दर्ज करवा रहे हैं, हम उनके बरखिलाफ हैं और उनका पूरा विरोध दर्ज करवाते हैं। लेकिन एनडीए और सहयोगी दलों की राय साफ है। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो उसको राजनीतिक एंगल से देखने की जरूरत है कि इसको फंसाया जा रहा है। अगर कोई फंसाएगा तो स्वाभाविक है कोर्ट में उनको उसके लिए उनको न्याय मिल जाएगा। अवैध खनन की जांच पर सियासी खेमेबंदी के बीच मोदी के मंत्री भी अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। निरंजन ज्योति सीबीआई का बचाव करते हुए अखिलेश को याद दिला रही हैं। बुंदेलखंड की जितनी भी नदियां थी, जिस तरह से अंधाधुंध 80-80 फुट नीचे से निकाला गया था अवैध तरीके से, और वो जिस तरह से काम हुआ, ये बहुत दिनों से जांच चल रही थी। गठबंधन तो इनका अभी हुआ, जांच तो चल रही थी 2017 के पहले से, और मैं समझती हूँ कि सीबीआई किसी के हाथ में नहीं होती है, सीबीआई होती है। अवैध खनन की ये सियासी जंग कहाँ तक जाएगी, ये तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रुख ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया है, जिसकी तासीर लोकसभा चुनाव में दिख सकती है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। यूपी में मायावती और अखिलेश में चुनावी बिसात पर बातें बन रही हैं, तो इधर बिहार में भी महागठबंधन का सियासी जायका चटखारेदार हो रहा है। आज शाम सीटों के तालमेल पर सभी दलों की बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले सभी नेता मछली भात की दावत पर जुटे। तेजस्वी कुशवाहा, कांग्रेस, मांझी, सब ने एक साथ बिहार की मछलियों का सेवन किया। अब सवाल यह है कि मछली पर चुनावी चर्चा से किसे काटा लगेगा। तस्वीरों में देखिए, सारे नेता सीटों से पहले स्वाद का मजा ले रहे हैं ताकि बात बन जाए और वोटर चुनावी कांटे में फंस जाए। माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, इस मूल मंत्र के साथ आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में तमाम महागठबंधन के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये माछ भात का जो आयोजन है वो मदन साहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दावत जो है वो यहां पर रखी है सभी नेताओं के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद हैं, साथ में उपेंद्र कुशवाहा जो भी आए हैं महागठबंधन में वो शामिल हैं, मदन साहनी जो कि होस्ट हैं वो भी हैं, जीतन राम मांझी जो हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ पर महागठबंधन के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से। उपेंद्र जी, माछ खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे एकदम? हाँ बिल्कुल भैया, वही वही संकल्प है, जिताएंगे।
एनडीए की सरकार दिल्ली और पटना से जो बाद में चुनाव होगा दोनों जगह से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, यही संकल्प है। संकल्प लिया आप लोगों ने? आज नहीं संकल्प लिया, पहले से संकल्प है और बिहार की जनता, देश की जनता यही चाह रही है, इसलिए ऐसा संकल्प है। मछलीभात पार्टी के मेजबान थे तेजस्वी यादव और मेहमान थे महागठबंधन के सारे नेता। तेजस्वी यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी आज माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे में शिरकत की। तेजस्वी माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे, संकल्प लिया आप लोगों ने? कार्यक्रम है एकदम, महागठबंधन जीतेगी और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता चाहती है महागठबंधन जीतेगी और पूरी तरीके से एनडीए का जो है और ख़ास तौर पे नीतीश जी का जो आने वाला जो चुनाव का परिणाम होने जा रहा है, नीतीश जी को खुद ब खुद संन्यास लेने पे मजबूर कर दीजिए। नीतीश कुमार ने आज कहा महागठबंधन में कोई दम नहीं है, सड़क पे चलने वाले नेताओं का जमावड़ा है। भाषा इतना गिर गया है, कभी नीच कहते हैं नीतीश जी किसी को, कभी सड़क छाप कहते हैं, उन्हीं सड़क छापों के मदद से कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी भाषा तो अपने प्रवक्ताओं को सिखाना, किसी को क्या बुलवाना, तो पूरा कॉपी पेस्ट नीतीश कुमार जी के यहाँ से एडिट होकर के जाता है। ये जो सीएम आवास जो है एक अन्य मार्ग, वो सीएम आवास नहीं रह गया बल्कि नीतीश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूज एंड एक्सक्यूज हो गया है कि किसको कितनी मात्रा में गाली देना चाहिए ये नीतीश कुमार जी तय करते हैं और सिखाते हैं। शाम में आज महागठबंधन की बैठक है, क्या लगता है अनाउंसमेंट कब तक आप लोगों का हो सकता है सीट शेयरिंग? अगर अनाउंसमेंट होगा ना भाई, इतनी बेचैनी क्यों हो रखी है? हर मास के बाद होगा, हम लोग आराम से करेंगे, सब चीजें हो जाएगी तो उसके बाद है। लेकिन इतने सारे पार्टी है इसमें महागठबंधन में, क्या बात कर रहे हैं? एनडीए जो है भारत भर में 40 पार्टी है, क्या एक सरकारी बंगले पे जो आपका जो फैसला आया है उसको चुनौती देंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? हमारे पास ऑप्शन है, जजमेंट आ जाने दीजिए, पढ़ लेंगे, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये थे तेजस्वी यादव जो बता रहे थे कि महागठबंधन जो आज इस भोज पे शामिल हुआ था, यहाँ इन लोगों ने संकल्प लिया है के महागठबंधन को 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जिताएंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम पर जारी सियासी संग्राम में कमलनाथ सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरे। शिवराज का कार्यक्रम और इरादा खुद वंदे मातरम गाने का था, लेकिन राष्ट्रगान गीत लाउडस्पीकर से बजता दिखा। सुबह सुबह शिवराज सिंह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे तो देशभक्ति की भावना भरपूर हिलोरे मार रही थी। वंदे मातरम का फिल्मी रंग गूंज रहा था, विरोध के स्वर शोर मचा रहे थे और सब कुछ सेट होते ही पूर्व सीएम साहब वंदे मातरम का गान करने लगे। लेकिन इस विवाद में वंदे मातरम की धुन लाउड स्पीकर से गूंज रही थी, संगीत गूंज रहा था और नेतागण धुन पर वंदे मातरम गा रहे थे। हालांकि शिवराज ने कहा था कि वो खुद गाएंगे और सारे नेताओं से गवाएंगे, लेकिन यहाँ मामला तो फिल्मी धुन पर संगीतमय था। इस नई सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा था और हमने ये तय किया था कि सरकार नहीं तो हम वंदे मातरम गान यहां गाएंगे। सरकारें आती रहती है जाती रहती है, लेकिन देश और देशभक्ति सबसे ऊपर रहती है। उन परंपराओं को ये सरकार न तोड़े, अगर तोड़ेगी तो हम प्रचंड विरोध करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन परंपराओं का पालन करे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सरकार बनाते ही सचिवालय के बाहर वंदे मातरम पर रोक लगा दी थी और इसे नए सिरे से शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को लपका। हालांकि चंद दिन पहले बीजेपी नेताओं से हमारे संवाददाता ने वंदे मातरम गाने को कहा तो सब हाफ गए, कांप गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, तो वो भी एक बार गाके बता दीजिए। आप नहीं थे यहाँ पे अभी, आज इतना ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, तो वो भी एक बार गाके बता दीजिए। आप नहीं थे यहाँ पे अभी, आज इतना ही।
फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाएंगे। वंदे मातरम सुफलाम यामलाम मातरम। टूटा फूटा गाया, आधा बीच बीच में से कई गायब है। नहीं यही है, मैं जी गाता रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ अभी, मैं देख रहा हूँ। अभी आपको नहीं आता था मतलब? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आप तो देख रहे हो उसको वीडियो में। तो वही तो मैं देख रहा हूँ यार, कहाँ है अभी, तुम बोल दो। अब वंदे मातरम के बहाने सियासी धुन पर विरोध का शोर गूंज रहा है, लेकिन इन नेताओं को भी ट्रेनिंग सेशन में भेजना चाहिए ताकि आगे वंदे मातरम गाने में जुबान दगा ना दे जाए। रवीश पाल सिंह के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।